आगे हम कंटिन्यू करेंगे काजेज से। इसमें लोकल स्किन डिसऑर्डर भी बहुत बड़ा कारण है, कुछ एंडोक्राइनल डिजीजेज भी हैं, पोस्ट एक्यूट इलनेस जो बीमारियां हमें हो जाती हैं और उनके बाद भी बाल झड़ते हैं, स्ट्रेस जैसे मैंने पहले भी बताया, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, कुछ मेडिसिन हैं जिनकी वजह से बाल झड़ते हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स आजकल लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जेनेटिक टेंडेंसीज भी हैं, हेरिडिटी भी होती है कुछ बाल झड़ने की कुछ फैमिलीज़ में। डायबिटीज़ में भी कई बार बाल झड़ते हैं जब बहुत ज़्यादा शुगर हो जाए, गलत रूटीन होता है। ल्यूपस एरिथमेटिस में भी बाल झड़ते हैं। टाइफाइड अगर बहुत रिलैप्स करता है कई लोगों में, मलेरिया, जॉन्डिस, कीमोथेरेपी एजेंट्स तो कॉमन है कि इसमें बाल झड़ते हैं। मेल्स में एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है खालित्य के लिए, ईस्ट्रोजन लेडीज़ में उसको काउंटर इफेक्ट कर देता है कि लेडीज़ में कंपैरेटिवली कम बाल झड़ते हैं। और एक्सेसिव इनटेक ऑफ लवण रस, शार और कटू रस, ये जो लोग लेते हैं आजकल बहुत स्पाइसी खाते हैं और हर चीज़ में इनो या सोडे वाली चीज़ें खाते हैं, केक्स बहुत खाते हैं, ये भी बाल झड़ने का कारण है। नमक बहुत खाते हैं, लाइफस्टाइल से भी डिपेंड करता है कितने बाल आपके झड़ते हैं। डाइटरी हैबिट्स में आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, इसमें तीन चार चीज़ें और मैं एंड में बताऊँगी। मेंटल स्टेटस भी मैंने बताया, स्ट्रेस जैसे है वो भी इसी में आता है। और सोशल एंड फैमिली लाइफ एंड मैनी अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है ये भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं एजिंग प्रोसेस को, और इनके अनफेवरेबल इफेक्ट जो हैं वो प्री मेच्योर एजिंग करते हैं। मान लो आपकी फैमिली लाइफ ठीक नहीं है, सोशल लाइफ ठीक नहीं है, और एनवायरनमेंट जो है वो आजकल जैसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो ये चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। और एक सर्वे में ये पाया गया है कि 81% ऑफ पेशेंट्स में प्री मेच्योर एजिंग हो जाती है 30-4 ईयर्स एज में। तो अगर प्री मेच्योर एजिंग होती है तो नेचुरल हेयर फॉल भी उनमें ज़्यादा होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमें। ज़्यादा स्मोक को एक्सपोजर, सनलाइट, मिस्ट, ओवर इंडल्जेंस इन वाटर स्पोर्ट्स, स्विमिंग बहुत करते हैं, वो खारा पानी होता है नमक वाला, उससे भी बाल बहुत झड़ते हैं, स्किन खराब हो जाती है। बहुत ज़्यादा जो सोते हैं या बिल्कुल कम सोते हैं, जिनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि स्वेद व श्रुतोदृष्टि इसमें होती है जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। और पूर्व की हवा ज़्यादा चलना है, तेज़ हवाएं चलना, बहुत ज़्यादा रोना, बहुत पानी पीना है, शराब बहुत ज़्यादा पीना, पेट में कीड़े होना, इंद्रलुप्त का बहुत बड़ा कारण है। पीछे केस स्टडी भी आई थी गुजरात से कि उनको बहुत पेट में कीड़ों की दवाई दी गई तो उनका इंद्रलुप्त काफ़ी हद तक ठीक हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आयुर्वेद के पास। कृमि गुठा रस वगैरह यूज करते हैं इसमें। सप्रेशन ऑफ अर्जेस, जो वेग धारण करते हैं, जो 13 वेग बताए गए हैं अधारणीय वेग, उनको धारण नहीं करना चाहिए, वो भी एक कारण है। और पिल्लो जो यूज़ नहीं करते, नहाते नहीं हैं, तेल नहीं लगाते, सिर में पानी नहीं डालते, लोग हमेशा नीचे देखते रहते हैं, और बहुत रा स्मेल आती है जिनमें से, ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और ऐसे ऐसी चीज़ों में जो इंडल्ज होते हैं ऐसे सिमिलर काजेज में, उनके दोष कुपित हो जाते हैं और वो सिर की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। इनसे जो है सिमिलर वे में खालित्य प्रोड्यूस हो सकता है। ऐसे ही दारुणक भी इसमें आता है। दारुणक यानी डेंड्रफ, कॉमन लैंग्वेज उसी जंतु जिसको लोग बोलते हैं। जब डिरेज्ड कफ और वायु स्किन में, सिर में मिन छोटे छोटे फिशर्स टाइप कर देती है और वो ड्राई होते हैं और बहुत ज़्यादा खारिश होती है, तो इससे भी सिर के बाल झड़ते हैं। कई बार कफ और वात के साथ पित्त भी कुपित हो जाता है जिससे दारुणक होता है। और दारुणक मीन्स, दारुण मीन्स हार्ड, सख्त हो जाए। हालांकि कफ और वात का विटेशन जो है ये दारुणक में मेंशन किया गया है, बट पित्त और रक्त का भी अनुबंध कई बार हो जाता है इसमें। इसके भी जो काजेज हैं, इम्प्रॉपर डाइट और एक्सेस साल्ट लेना डाइट में प्रेग्नेंट लेडी से, ये भी बच्चों में खालित्य का कारण बनता है क्योंकि उनका पित्त दोष कुपित हो जाता है, डिरेंज हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में भी मदर्स को इस चीज़ की गाइडेंस देनी चाहिए
ताकि उनके बच्चों को आगे जाके ये प्रॉब्लम नहीं आए कि उनको नमक कम लेना चाहिए और